इस प्रांगण में उपस्थित अगरतला की समस्त आदरणीय महानुभाव भाइयों और बहनों, आज का दिन अगरतला की जनता के लिए एक त्योहार से कम नहीं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आज का दिन अगरतला के भव्य इतिहास में एक नया अध्याय के रूप में स्वर्णो अक्षर ये लेखो जावे। एक ऐसा इतिहास जो माणक्य राजवंश ने अगरतला के निर्माता बनकर रचा था, एक समृद्ध इतिहास जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पुरखों तक अगरतला के इतिहास में एक अनमोल संबंध का लेखा जोखा है। और जहां एक समृद्ध इतिहास त्रिपुरा का है, वहीं एक प्राकृतिक सौंदर्य की क्षमता भी है। चाहे भव्य मंदिर की हम बात करें, चाहे झील और झरनों की हम बात करें, चाहे धान के खेतों की हम बात करें, चाहे हम अनछुए जंगलों की हम बात करें, एक संस्कृति, सुंदरता और इतिहास का एक विचित्र संगम हमारा त्रिपुरा है मेरे भाई और बहनों। और इस विचित्र संगम में आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आधार पर, उनकी कल्पना के आधार पर, उनके संकल्प के आधार पर एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। कनेक्टिविटी का आधार जोड़ा जा रहा है, हवाई संपर्क का आधार जोड़ा जा रहा है, और आज एक विकास के एक नए द्वार अगरतला के लिए खुल रहे हैं। पूर्व में त्रिपुरा और अगरतला एक पिछड़ा हुआ राज्य होता था, लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का उत्तर पूर्व क्षेत्र है जो विकास के ओर को आगाज कर रहा है मेरे भाई और बहनों। ये क्षेत्र और ये हवाई अड्डा 70 साल में जितनी सरकारें देश में रही, उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल 6 हवाई अड्डे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल के अंदर आज उत्तर पूर्वी भारत में 15 हवाई अड्डे और 17 हेलीपैड आज बन चुके हैं मेरे भाई और बहनों। डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र में और राज्य ने डबल काम करके हमारी जनता को अपने तरफ से समर्पित किया है, और यही हाल देश में है। 2014 तक 70 साल में केवल 74 एयरपोर्ट बने थे, आज देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 एयरपोर्ट पूरे देश में बन चुके हैं मेरे भाई और बहनों। और अगर अगरतला की इस हवाई अड्डे की हम बात करें, जो 10,000 स्क्वायर मीटर का एक छोटा हवाई अड्डा था, प्रधानमंत्री जी की सोच है तो एक विराट सोच है, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वो एक विश्व रूपी सोच है। आज जो उद्घाटन और लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, वो 30,000 स्क्वायर मीटर का हवाई अड्डा, 3,00,000 स्क्वायर फीट का हवाई अड्डा की शुरुआत की जा रही है, जहां केवल 13,00,000 यात्री सफर कर पाते थे उस छोटे एयरपोर्ट से, आज इस भव्य हवाई अड्डे से 30,00,000 यात्री अगरतला से देश के कोने कोने में जा पाएंगे मेरे भाई और बहनों। हमारी सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि अगर वुड के इत्र की तरह विकास की खुशबू अगरतला के कोने कोने में पहुंचे, ये संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये हवाई अड्डा जो इतिहास का हवाई, ऐतिहासिक हवाई अड्डा था, 1942 में त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर जी ने जो स्थापित किया था, उसी एक महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि लोकल वोकल फॉर लोकल, तो ये हवाई अड्डे जिसमें आप लोग प्रवेश करेंगे, जहां एक तरफ स्थानीय पदार्थ, वनस्पति, कला, संस्कृति का संगम है, वहीं प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वोकल फॉर लोकल के साथ लोकल टू ग्लोबल हम ले जाएं, तो अंतरराष्ट्रीय डिजाइन के आधार पर पर्यावरण का संरक्षण,
कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा की बहुत कम से कम उपयोग हो, 100% सौर ऊर्जा के साथ निर्भर करता हुआ एक हवाई अड्डे का शिलान्यास हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि परिवहन ही परिवर्तन का माध्यम हो सकता है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक कमांडर की तरह त्रिपुरा की कायाकल्प करने के लिए संकल्प हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस अगरतला में 230 फ्लाइट प्रति हफ्ते आते हैं, जिस अगरतला को एक शहर के साथ भी जोड़ा नहीं गया था, आज कोलकाता के साथ, गुवाहाटी के साथ, बेंगलोर के साथ, डिब्रूगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ, इम्फाल के साथ, शिलोंग के साथ, लिंगपोई के साथ, चारों दिशाओं में जोड़ा गया है। और केवल ये नहीं मेरे भाई और बहनों, इसी के साथ कृषि उड़ान की योजना, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि केवल हवाई सफर नहीं, हमारे किसानों की उन्नति होनी चाहिए नागर विमानन क्षेत्र के साथ। कृषि उड़ान योजना के साथ नवंबर के माह में रिकॉर्ड हमने कायम किया है, 4,500 किलो कृषि का उत्पादन केवल देश में नहीं लेकिन विदेश तक हमने भेजा है, चाहे वो कटहल हो, त्रिपुरा का अनानास हो, पूरे विश्व में त्रिपुरा का परचम लहराने की कोशिश रही है। तो आज के इस दिवस पर जो एक अगरतला एक चमकता हुआ सितारा है उत्तर पूर्वी भारत का, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, हम लोग संकल्पित हैं कि उस सपना को हम पूरा करके दिखाएंगे। और आज आर्थिक विकास के विषय में एक नया अध्याय की लिखने की खुशी साझा करते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।